जब आपको फील हो कि आपकी स्किन थोड़ी सी डल हो रही है, आपकी स्किन जो है वो सही तरह से आपकी क्रीम्स या जो लोशंस आप ठंड में लगा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो फिर आपको ये फेशियल करना है। सिर्फ 5 मिनट देने हैं आपको इस फेशियल को, सिर्फ 5 मिनट, और ये फेशियल आपको बदले में दे रहा है ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन। अब ये कैसे मुमकिन है, चलिए देख लीजिए। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब की पूरी प्यारी प्यारी फैमिली जो है वो बहुत खुश होगी और मेरी तरह ठंड को इन्जॉय कर रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ठंडे इलाके हैं उनमें हम ठंड को इन्जॉय क्यों करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं कैनेडा में थी तो मैं ठंड को बिल्कुल इन्जॉय नहीं करती थी, और मुझे गर्मियों का इतना बेचैनी से इंतज़ार होता था कि यहाँ कराची में जो मेरी फ्रेंड्स और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो सोचते थे कि गज़ल ये हम गर्मियों से बेजार हैं, आपको गर्मियों की इतना शिद्दत से इंतज़ार है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ कराची में इतनी गर्मियाँ पड़ती हैं कि मुझे ठंड का इंतज़ार रहता है, तो मैं ठंड को बहुत इन्जॉय करती हूँ। ये मेरी शॉल को देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये गरम गरम कपड़े जो हैं वो कपड़े निकाले मैंने गरम गरम और इन्जॉय कर रही हूँ। तो थोड़े टाइम के लिए आती है ठंड, और इतनी ज़्यादा ठंड आती भी नहीं कराची में, इसके बावजूद भी देखें मैं ये शॉल पहन के घूम रही हूँ। बाय द वे, ये शॉल मेरी बहुत पुरानी शॉल है, कई साल पुरानी शॉल है, आप यकीन नहीं आएगा, शादी से भी पहले की शॉल है। और कुछ चीज़ें होती हैं ना आपकी जो आपको किसी ने दी हुई होती हैं, गिफ्ट की हुई होती हैं बहुत प्यार से, तो आपका दिल नहीं करता उनको। और मैं तो वैसे ही अपनी इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत तरीके से सब चीज़ें होती हैं मेरे पास, तो ख़राब ही नहीं होती मेरी चीज़ें। अच्छा, बहरहाल ये किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊँगी उन चीज़ों के बारे में। तो बहरहाल ठंड के आते ही ना आपके कमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं कि गज़ल स्किन जो है वो इतनी डल ड्राई और कॉम्प्लेक्शन डार्कर होने लगता है, तो उसके लिए क्या करें, और क्या करें के साथ कुछ ऐसा कुछ आसान सा इजी सा कुछ तरीका बताएं कि जिससे जो है वो स्किन बहुत ग्लो करने लगे और ये सारे ठंड के प्रॉब्लम से बच जाए। तो दो फरमाइशें आपने की हैं, एक तो ये कि कोई ऐसी कोई चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जो ठंड के जो ड्राई वेदर की वजह से हमारे स्किन का जो मॉइस्चर है वो प्रेट हो जाता है, स्किन डल ड्राई हो जाती है, डार्कर पैचेस पड़ने लगते हैं, और जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए तो बहुत ही बुरा हाल होता है ठंड में। तो एक तो उसके लिए कुछ बताऊं, और वो भी ऐसी कोई आसान सी चीज़ बताऊं जो कि करना आसान हो। बात सही है वैसे, क्योंकि हर कोई इतना बिजी होता है कि लंबी चौड़ी कोई चीज़ अगर हम होती है तो हमें करना भी ज़रा मुश्किल होता है। तो आज जो है ना वो आप सबका ये मसला भी हल्के देती हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो फेशियल शेयर करने जा रही हूँ वो सिर्फ 5 मिनट लेगा आपके। जी, आप इस फेशियल को देंगे सिर्फ 5 मिनट, और ये आपको स्लिम में देगा ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन। फेशियल करना जो है वो ज़रूरी इसलिए होता है कि जब हम अपनी स्किन पर विंटर में कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं, बाय द वे मैंने बहुत अच्छी विंटर क्रीम आपके साथ शेयर की है, नज़र आ रही है आपको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहतरीन क्रीम है। जो भी क्रीम भी हम कोई चीज़ विंटर में अप्लाई कर रहे होते हैं वो एक बैरियर का काम देती है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है हमारी जो सर्दी के जो हार्श जो ड्राई वेदर होता है उसका और हमारी स्किन के बीच में, तो वो हमारी स्किन को ख़राब होने नहीं देती, हमारी सुपरफिशियल जो ऊपर की लेयर होती है उसको, लेकिन हमारी स्किन को उस लेयर से आगे भी उसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है, ताकि उसके अंदर जो ड्राई स्किन जो डेड स्किन है वो ज़्यादा जमा ना हो जाए, स्किन के पोर्स क्लॉग ना हो जाए, वो एक्ने और ये सारे मसाइल पैदा ना हो, और स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो निखरा रहे, ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि फेशियल हम ठंड में करते हैं तो उसमें हमारी स्किन और भी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, कि जब हम स्क्रबिंग कर रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आज का जो फेशियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 मिनट का फेशियल है। अब आप सोचोगे 5 मिनट में फेशियल कैसे हो सकता है, फेशियल को इतने सारे स्टेप्स होते हैं, उसको क्लीन करना, उसको स्टीम देना ताकि पोर्स ओपन हो, उसके बाद फिर उसको ट्रीट करना, उसके बाद फिर स्क्रब लगाना, उसके बाद पोर्स सारे बंद करना, फिर मॉइस्चराइज करना, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आज कितने सिंपल स्टेप्स हैं और कितने क्विक होने वाले स्टेप्स हैं, और उसके बदले इतनी खूबसूरत स्किन होने वाली है, तो फिर क्यों ना किया जाए, सही बात है ना। तो चलें देखें कैसे होगा ये वाला है। तो इसके लिए हम जल्दी से इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि 2 छोटे से तौलिए ले लेने हैं, टॉवल के पीसेस साफ सुथरे, एक को आपने टैप वाटर से निचोड़ के और फ्रीज़र में रख देना है, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में। दूसरे पीस को आपने पानी को बॉईल करना है, और जब वो बॉईल हो जाए पानी तो चूल्हा बंद करके उसमें वो टॉवल डाल देना है, ठीक है, ये फेशियल स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, अब देखें कि कितना क्विक होने वाला फेशियल है। सबसे पहले आपने फेस को वॉश करना है, ठीक है, किसी भी फेस वॉश से वॉश करें, किसी माइल्ड सोप से आप वॉश करें, साफ कर लिया आपने फेस को, उसके बाद आपने जो गर्म पानी में जो तौलिया डिप किया था उसको हल्के से निकालें किसी टोंग से, आपका हाथ नहीं जलना चाहिए, और वो उसको किसी प्लेट में रख दें क्योंकि वो बहुत गर्म होगा, जब वो थोड़ा सा
हल्का सा गर्म हो जो आप बर्दाश्त कर सकें, आराम से फेस पर हाथ पर रखे देखिएगा पहले, तो फिर आपको फेस को वॉश करने के फौरन बाद उसी गीले फेस पर इस तौलिए को रख लेना है, ठीक है, ताकि स्किन के पोर्स जो है वो उस गर्म तौलिए से ओपन अप होंगे, स्किन जो है वो उस मोड में आ जाएगी कि अब हम उसको उसकी डेड लेयर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं बहुत ही जेंटल तरीके से। उसके बाद आपने करना ये है कि एक मिक्सचर बनाना है, और वो कैसे बना रही हूँ वो देख लें। तो इसके लिए हमें आमंड्स यानी बादाम चाहिए होंगे 4, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पीस लिया है, बहुत ही फाइन पाउडर बना लिया है, और इस फाइन पाउडर का 1 टीस्पून लीजिएगा आप। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइड मिल्क पाउडर, जो दूध का पाउडर मिलता है वो 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून इसमें हनी ऐड करेंगे यानी शहद, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर के 1 से 2 टीस्पून। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कीजिएगा जब तक ये अच्छी तरह से पेस्ट ना बन जाए, लेकिन अगर आपको रोज़ वाटर ना मिले तो फिर आप टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, स्पेशली विंटर में ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं, और हमारी स्किन से डेड सेल्स रिमूव करके एक नेचुरल ग्लो देते हैं। सेंसिटिव स्किन है आपकी, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सब स्किन के लिए बहुत ही आइडियल है, क्योंकि एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून कोई सा भी अपनी पसंद का ऑयल ऐड कर सकते हैं, तो आपकी स्किन ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी। अच्छा, अब इस मिक्सचर को जो है वो आपने अपने उसी तौलिए को हटाइए, गर्म तौलिए, और फेस पर हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में मसाज करते जाएँ इस मिक्सचर का, नेक पर, अपने फेस पर। अगर हाथों पैरों की स्किन भी ख़राब हो गई तो आप कर सकते हैं इसको भी, और 2 से 3 मिनट तक आप उसको करें मसाज। अभी जो मिक्सचर है बहुत ही माइल्ड तरीके से आपकी स्किन की जो डेड लेयर है, जो ड्राई जो लेयर होती है, जो हमारी ओपन जो पोर्स होते हैं उनमें जाके जमा हो जाती है, क्लॉक कर देती है उसको, फिर एक्नी, कील, वहाँ से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको बहुत ही जेंटल तरीके से बगैर उसको जो है वो इरिटेट किए स्किन को ठंड में, बगैर आपके रैशेस स्किन पर आए, क्योंकि स्क्रबिंग से जो सेंसिटिव स्किन होती है उन पर रैश पड़ने का खतरा होता है, तो ये इतना माइल्ड तरीके से आपकी स्किन की डेड लेयर को रिमूव करेगी, क्लीन करेगी, आपको एक ब्राइटर, एक ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन देगी। तो 2-3 मिनट मसाज करने के बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है टैप वाटर से, ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, ठीक है। उन जो ओपन पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करने के लिए नॉर्मली मास्क लगाते हैं जिसमें टाइम लगता है, हमारे पास टाइम नहीं है मास्क लगाने का, ठीक है। और तो हम क्या करेंगे कि जो हमने फ्रीजर में टॉवल रखा है वो निकालिए, उसको आपने फेस पर रख देना है, और 1 मिनट के लिए आँखें बंद करके रिलैक्स करना है, ठीक है। आपके जो पोर्स हैं स्किन के वो श्रिंक हो जाएंगे, एक ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन के साथ आपको वो जो है वो फेशियल का रिजल्ट मिलेगा। अब वो 1 मिनट के बाद वो तौलिया ठंडा हटाना है, दोबारा से अपने फेस को लेना है, अच्छी तरह से क्लीन कर देना है ताकि वो और भी बिल्कुल साफ़ हो जाए, और उसके बाद कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आप लगा दें जो आपको अच्छा लगता है। मैंने विंटर क्रीम शेयर की है, आप वो लगा सकते हैं, आपने और कुछ नहीं तो सिर्फ आमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स लेके वो लगा लें अपने फेस पर, मसाज कर लें, ठीक है। और ये 5 मिनट के अंदर आप देखिएगा आपकी स्किन इतनी ग्लो करने लगेगी, इतनी खूबसूरत, इतनी यूथफुल स्किन हो जाएगी। इससे स्किन हमारी हर वक्त एक एब्जॉर्बिंग मोड में रहेगी, हम कोई क्रीम अप्लाई करें पूरा थ्रू आउट द विंटर वो सारा वो एब्जॉर्ब करती रहेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो उसको ज़रूर कीजिएगा आप, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा कर लीजिएगा इसको, और सोने से पहले अगर करें तो आइडियली तो बहुत अच्छा रहता है, ताकि वो पूरी रात जब आप सोते हैं तो आपकी स्किन जो है वो सुबह आप यूथफुल लुक के साथ उठते हैं, वो पूरी रात अच्छे तरीके से रिपेयर करती है। और साथ साथ पानी ज़रूर पीना है, 8 से 10 ग्लासेस पानी जो है वो आपको इंटरनली जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज रखने में बहुत हेल्प करता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर 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 बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुँच सके। ओके जी, और बहुत जल्द मिलूंगी मैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, पसंद आ रही हैं, तो ये जो राउंड सर्कल मेरा फेस नज़र आ रहा है क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक कीजिए, थोड़ा सा काम कर लीजिए, इसके सिले में आपको मज़े की नई नई वीडियोस मिलेंगी, वो आप आराम से देख सकेंगे, वरना आप मिस कर जाएंगे। और अब आप मुझे YouTube के साथ साथ Facebook, Instagram और TikTok पर भी फॉलो कर सकते हैं।